प्रदेश के छात्रों के लिए स्वतंत्र टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए केंद्र के भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। देश में कॉलेज पिछले 1.5 साल से बंद है। केंद्र सरकार ने देश की पूरी जनता का टीकाकरण करने की जिम्मेदारी ली है। केंद्र सरकार राज्यों को टीका की आपूर्ति कर रही है और उसी आपूर्ति के अनुसार टीकाकरण चल रहा है। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के छात्र सेना द्वारा स्वतंत्र टीकाकरण की मांग की गई है। केंद्र सरकार छात्रों के लिए अलग से टीके उपलब्ध कराए और कॉलेज स्तर पर छात्रों को अलग से टीकाकरण मुहैया कराए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस के माध्यम से की गई। मोदी जी, पढ़ाई का खेल खेलना बंद करो, छात्रों के लिए अलग से टीकाकरण लागू करो। मोदी सरकार अभी थोड़ा सोचे, छात्रों के भविष्य में व्यत्यय न करे। इस तरह की विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर खींचा गया। छात्र देश का भविष्य है, छात्रों का नुकसान एक पीढ़ी का नुकसान है। कॉलेज को शुरू करने के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है, ताकि उनकी शिक्षा को नुकसान न पहुंचे, जिसके लिए केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। सध्याची जी परिस्थिती आहे देशातली आणि महाराष्ट्राची, त्या परिस्थितीला बघून राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुनीलजी गव्हाणे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे विदर्भाचे अध्यक्ष आदरणीय आशिषभाऊ आवडे यांच्या सूचनेनुसार आज आम्ही नागपूर शहर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस तर्फे व्हेरायटी चौक येथे विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र लसीकरण मोहीम महाविद्यालयीन स्तरावरती त्याचा स्वतंत्र पुरवठा करून केंद्र सरकारने ती स्वतंत्र मोहीम प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये सुरू करावं म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केला। त्याचबरोबर आज या ठिकाणी आम्ही माननीय नागपूरचे जिल्हाधिकारी मॅडम यांनासुद्धा निवेदन देतो आहे की माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी किंवा माननीय केंद्र सरकारांनी या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारशी आणि केंद्र सरकारशी जमून घेऊन त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी, विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये शाळा कॉलेजेस सुरू करायची आहे, ह्या सर्व दृष्टिकोन लक्षात ठेवून आपण केंद्र सरकारने माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी लवकरात लवकर स्वतंत्र लसीकरणाचा पुरवठा महाविद्यालयीन स्तरावर सुरू करावं, यासाठी आज आम्ही ह्या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। शाळा कॉलेजेस बंद आहेत। आम्ही राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर असो या पूर्ण विदर्भभर असो या शाळा कॉलेजेस सुरू करावं, पूर्ण लसीकरण त्यांचं व्हायला पाहिजे विद्यार्थ्यांचं, याच्यासाठी आम्ही आज हे सगळं आंदोलन आज उभारलेलं आहे। राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस तर्फे देशातील आणि या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयीन स्तरावरती स्वतंत्र लसीकरण मोहीम देशाचे माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब त्याचबरोबर केंद्र सरकारने ही मोहीम स्वतंत्र पद्धतीने महाविद्यालय स्तरावरती सुरू करावी या मागणीसाठी आज आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करतो आहे। आंदोलन करत असताना मी या ठिकाणी आपल्याला या माध्यमातून एवढंच सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये महाविद्यालयीन स्तरावरती लसीकरण मोहीम विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र पद्धतीने सुरू नाही झाली तर नागपूर शहरामध्ये आजपासून आम्ही जेव्हापर्यंत लसीकरण मोहीम सुरू होत नाही तेव्हापर्यंत आजपासून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस तर्फे आम्ही याच प्रकारे आंदोलन करणार आहोत, एवढंच या ठिकाणी आपल्याला सांगू। इसके लिए राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस नागपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह मांग पूरी होने तक आंदोलन करेगी। ऐसी जानकारी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि पराती द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, PCN News नागपुर।